हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग देख रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का PYQs। और अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये मेरा ट्री से क्वेश्चन है। ट्री में देखिएगा क्या है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। डिस्क्राइब इंसर्शन इन मैक्स हिप ट्री विथ एग्जाम्पल फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर। ये जो मेरा नंबर दिया गया, ये इससे क्या करना है, हमको मैक्स हिप बनाना है वन बाई वन नंबर को इंसर्ट करके। ठीक है, तो हमको इंसर्शन करना है किसमें, मैक्स हीप में। मैक्स हीप ट्री में हमको क्या करना है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे जो लिस्ट दिया गया है इसको क्या करना है, वन बाय वन सबको हमको मैक्स हीप में, मैक्स हैप ट्री में क्या करना है, कन्वर्ट करना है या फिर उसमें इंसर्ट करना है। ओके गाइस, तो यहाँ पे सबसे पहले हम जान लेते हैं क्या मेरा हीप क्या होता है, हीप क्या होता है, उसके बाद में जानेंगे मैक्स हीप क्या होता है। तो पहले हीप क्या होता है वो जानते हैं। द हीप इज अ कंप्लीट बाइनरी डाटा स्ट्रक्चर दैट सेटिस्फाई द हीप प्रॉपर्टी। हीप मेरा क्या होता है, कंप्लीट बाइनरी ट्री डाटा स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, हीप प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। अब हीप प्रॉपर्टी सेटिस्फाई क्या है, हीप प्रॉपर्टी क्या है, तो हीप प्रॉपर्टी ये कह रहा है फॉर एवरी नोड द वैल्यू ऑफ इट्स चिल्ड्रेन इज लेस देन और इक्वल टू इट्स ओन वैल्यू। उसका जो भी वैल्यू है उसके चिल्ड्रेन से या तो बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे टोटल हीप का दो प्रकार होता है, पहला मिनिम हीप होता है, दूसरा मैक्स हीप होता है। तो अगर मिनिम हीप है तो उसका मतलब क्या है, मिनिम हीप है तो हमारा जो भी वैल्यू होगा रूट का, या फिर क्या बोलते हैं उसका नोड का जो भी वैल्यू होगा उसके चिल्ड्रेन से क्या होगा, छोटा होगा मीन हिप के केस में। वही मैक्स हिप के केस में क्या हो जाएगा, मैक्स हिप के केस में मेरा जो भी नोड रहेगा उसके चिल्ड्रेन से वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, या फिर इक्वल टू हो जाएगा, उसको बोलेंगे मैक्स हिप। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, ये मेरा क्या है नोड है, इसका चिल्ड्रेन क्या है, ये है और ये है। इसका चिल्ड्रेन तो पूरा है लेकिन यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 15 से भी क्या है ये छोटा है, 30 से भी क्या है छोटा है। तो ये मेरा क्या है मीन हिप का एग्जाम्पल है, और ये सिर्फ एक ही नोड के लिए नहीं सभी नोड के लिए वैलिड होगा। ठीक है, तो वहीं पे मैक्स हीप का एग्जांपल देखिएगा, यहाँ 100 है, 40 है, 10 है, 15 है, 50 है, 50 है और यहाँ 40 है। फिर देखिएगा 40 और 50 दोनों से ज्यादा क्या है मेरा ये नोड, तो ये क्या है मेरा, ये मेरा मैक्स हीप है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इक्वल टू भी हो सकता है तो इक्वल टू भी है, तो ये मेरा मैक्स हीप का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा आगे क्या लिखा गया, इंसर्शन में क्या लिखा गया, गिवन अ बाइनरी हीप एंड अ न्यू एलिमेंट इज टू बी एडेड टू इट्स दिस हिप द टास्क इज टू इंसर्ट द न्यू एलिमेंट टू हिप मैनेजिंग प्रॉपर्टी ऑफ हिप। जब हम उसमें इंसर्ट करेंगे ना, तो इंसर्ट करने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, जो भी मेरा हिप का प्रॉपर्टी है उसको मेंटेन करना पड़ेगा, या तो मीन हिप है तो मीन हिप वाला, मैक्स हिप है तो मैक्स हिप वाला। कैसे करेंगे, स्वैप करके करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद प्रोसेस ऑफ इंसर्शन में क्या लिखा गया है, एलिमेंट ये इतना चीज हम इसीलिए लिखे हैं क्योंकि 14 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, जबकि आप डायरेक्ट इंसर्ट करते जाइएगा तो तुरंत खत्म हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा बकैती की है ताकि हमारा पन्ना भरे। ओके गाइस, तो यहाँ पे आप ये सब लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत है नहीं, बस यहाँ पे आप डायरेक्ट इंसर्ट भी कर सकते हैं। तो जब इंसर्ट करिएगा तो एक ही पन्ना में हो जाएगा, तो 14 नंबर का थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगता है, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा लेंदी करने के लिए ये सब कर रहे हैं। ओके, क्या लिखा गया प्रोसेस ऑफ इंसर्शन में, एलिमेंट कैन बी इंसर्टेड टू द हीप फॉलोइंग द सिमिलर अप्रोच एज डिस्कस अबव फॉर डिलीशन एंड आइडिया टू। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या करना है, फर्स्ट इंक्रीज हीप साइज बाय वन सो दैट इट कैन स्टोर न्यू एलिमेंट, इंसर्ट द न्यू एलिमेंट एट द एंड ऑफ द हीप, दिस इज न्यूली इंसर्टेड एलिमेंट मे डिस्टर्ब द प्रॉपर्टी ऑफ हीप फॉर इट्स पेरेंट, सो इन ऑर्डर टू कीप द प्रॉपर्टी ऑफ हीपीफाई इज न्यूली इंसर्टेड नो अप्रोच। वही बात जो हम अभी तक बके हैं ना, वही इंग्लिश में लिखा गया है। क्या है, हम क्या करेंगे, जब भी हमको इंसर्ट करना होगा उसका क्या करेंगे, सबसे नीचे इंसर्ट करेंगे। सबसे नीचे इंसर्ट करने के बाद देखेंगे क्या, अगर वो हीप का प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है तो सही है, नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे, हम वहाँ पे स्वैपिंग परफॉर्म करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। और यहाँ पे देखिएगा एक एग्जाम्पल लिया गया, तो ये एग्जाम्पल को हम अभी नहीं लेंगे क्योंकि मेरे पास एक ऑलरेडी दिया गया है सीक्वेंस, उसी को हम लेके चलेंगे। ठीक है, इसको हटा देते हैं यहाँ से और डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे देखिएगा लिस्ट मेरा दिया गया है क्या, 33, 42, 67, 23, 44, 49 और 74। ये मेरे पास सीक्वेंस दिया गया और इसको बोलना है कि इसमें कन्वर्ट करना है, मैक्स हीप में कन्वर्ट करना है। ओके गाइस, तो चलिए वन बाई वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 33 आ गया, अकेला है, अकेला है तो कुछ नहीं है, बस यहाँ पे है तो है, 33 आ गया। 33 के बाद हमको क्या करना है, 42 को इंसर्ट करना है। तो 42 को जब इंसर्ट करना है, तो 42 को इंसर्ट करने जाएंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस नोड के लेफ्ट में इंसर्ट करेंगे 42 को। जैसे ही हम यहाँ पे क्या किए, लेफ्ट में इंसर्ट किए, तो मेरा मैक्स हीप का प्रॉपर्टी क्या बोलता है, मैक्स हीप का प्रॉपर्टी बोलता है उसका जो चिल्ड्रेन है, इसका जो चिल्ड्रेन है, इस रूट का जो चिल्ड्रेन है, इससे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, बड़ा है,
बनाए तो क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे, स्वैप करेंगे तो 42 ऊपर चल जाएगा, 33 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो हो गया, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा मैक्स प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। आगे मेरा 67 आया, तो 67 को क्या करेंगे, 67 को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। जैसे ही 67 को मैंने इंसर्ट किया, तो यहाँ पे 67 को इंसर्ट किया, तो यहाँ पे देखेंगे क्या, यहाँ पे देखेंगे ऊपर का जो यहाँ ये जो वैल्यू है, ये जो रूट है, इस रूट का यहाँ पे चिल्ड्रेन देखिएगा ज़्यादा हो गया। चिल्ड्रेन जब ज़्यादा हो गया तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, चिल्ड्रेन जब ज़्यादा हो गया किससे, रूट से, रूट मतलब क्या, रूट मतलब क्या, जैसे यहाँ पे मान लीजिए मेरा क्या है, ऊपर वाला क्या है, फादर है, नीचे वाला दोनों क्या है, सन है। मैक्सिम क्या बोलता है, मैक्सिम बोलता है मेरा सन हमेशा छोटा रहेगा। ठीक है, कहते हैं ना बाप बाप होता है, तो यहाँ पे क्या है, ये मेरा हमेशा छोटा रहेगा। और जैसे ही बड़ा उसको क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे। ठीक है, बड़ा वाला वैल्यू किसके पास जाएगा, बाप के पास जाएगा। यहाँ पे 67 मेरा क्या है, अभी बड़ा है, 67 जैसे ही बड़ा है तो क्या करेंगे, उसको एक लपर मार के ऊपर भेज देंगे। तो एक लपर मार के ऊपर भेज दिए, 67 मेरा ऊपर गया, 67 जैसे ही ऊपर गया तो नीचे मेरा क्या है, 42 आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये मेरा मैक्सिम की प्रॉपर्टी को अब सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब आएगा क्या, अब आएगा 23। 23 आया तो 23 क्या होगा, नीचे इंसर्ट हो जाएगा। नीचे जैसे ही इंसर्ट हुआ था देखेंगे तो हाँ ये सही बात है, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है मेरा, क्यों सब कुछ सही करने का मतलब क्या है, ये मेरा मैक्स प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तब आगे बढ़ेंगे, 44 के पास जाएंगे। तो 44 के पास आए तो फिर 44 को यहाँ पे इंसर्ट किए, जैसे ही 44 को इंसर्ट किए फिर चेक करेंगे क्या सब कुछ सही चल रहा है, तो कहेंगे यहाँ पे देखेंगे क्या, नहीं सब कुछ सही नहीं चल रहा है, मेरा ये क्या होना चाहिए, रूट ज़्यादा होना चाहिए, चिल्ड्रेन छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा बच्चा बड़ा हो गया है, बाप छोटा हो गया है, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, थप्पड़ मारेंगे, स्वैप कर देंगे। यहाँ पे स्वैप करेंगे तो 44 ऊपर जाएगा, 33 नीचे आ गया। अब देखिएगा यहाँ पे सब प्रॉपर्टी मेरा क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, सब प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है, तो फिर से आगे बढ़ेंगे। फिर से आगे क्या, 49 के पास जाएंगे। 49 के पास जैसे ही गए तो यहाँ पे 49 को इंसर्ट करेंगे। तो 49 को जैसे ही इंसर्ट किया तो यहाँ पे देखेंगे फिर से इसके बाप से चेक करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे ये मेरा 42 है और ये मेरा क्या है, 49 है। तो ये मेरा क्या हो गया, बाप छोटा हो गया, बेटा बड़ा हो गया, ये गलत बात है। गलत बात है तो क्या करेंगे, गलत बात है तो हम क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे। स्वैप कर दिए तो क्या होगा, मेरा 49 ऊपर गया, 42 नीचे आ गया। ठीक है, अब सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, तो फिर से क्या करेंगे, 74 को अब इंसर्ट करेंगे। जैसे ही 74 को इंसर्ट करेंगे, जैसे ही 74 को इंसर्ट किए देखिएगा बच्चा बड़ा हो गया और बाप छोटा हो गया, तो क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे। तो यहाँ पे स्वैप कर देंगे, 74 ऊपर जाएगा, 49 नीचे आ जाएगा। ठीक है, फिर से चेक करेंगे, तो फिर से यहाँ देखिएगा मेरा बाप छोटा है, बेटा बड़ा है, तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे। तो 74 सबसे ऊपर गया, 67 नीचे आया, उसका 49। तो उसके बाद इस डिग्री में आप जितना भी चेक करना है कर लीजिए, मेरा क्या है, सब मैक्स हिप प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये मेरा क्या है, मैक्स हिप ट्री है। ठीक है, कैसे इंसर्ट किया मालूम चल गया, तो यहाँ पे मालूम चल गया होगा कैसे कर रहे हैं, थप्पड़ कर रहे, ऊपर भेज रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे आई थिंक आपको ये सब फंडा क्लियर हो गया होगा कैसे कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे बस कुछ नहीं करना है, मैक्स अगर मैक्स हिप पूछता है तो क्या करेंगे, रूट वाला एलिमेंट मेरा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और अगर मेरा मीन ही पूछता है तो मीन ही पूछता है तो मेरा रूट वाला एलिमेंट है उसके चिल्ड्रेन से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। बस इतना ही चीज ध्यान रखना है और मेरा सब क्वेश्चन हो जाएगा। ओके गाइस, तो आई होप आपको ये फंडा क्लियर हुआ होगा, क्लियर क्या, बहुत क्लियर हो गया होगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।